नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में महागठबंधन सरकार के एक साल पूरे हो गए हैं। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार नहीं, ये सरकार अब अपना एक साल पूरा तो कर चुकी है, लेकिन साल भर में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। जहां रोजगार को लेकर तेजस्वी यादव के जो वादे थे वो अधूरे रह गए, वहीं नीतीश कुमार ने भी सरकार में कई पेच फंसाने की कोशिश की। आज राजद सरकार में निश्चित तौर पर द्वयम दर्जे की पार्टी हो गई है। जिस तरीके से उसके विधायक और उसके मंत्रियों के बीच एक नाराजगी का भाव है, ये सर्वविदित है। लेकिन इसके बावजूद सरकार अपनी पीठ खूब थपथपा रही है। वो जातीय जनगणना को अपनी सबसे बड़ी जीत के तौर पर दिखा रही है और इसी आधार पर देश भर में जो इंडिया गठबंधन बना है उसे जीत दिलाने का एक दावा किया जा रहा है। लेकिन दावे अपनी जगह पर है, सच्चाई अपनी जगह। बिहार में लालू प्रसाद यादव के और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के इस गठबंधन को जब उपेंद्र कुशवाहा, जो कि एनडीए के सहयोगी हैं, उन्होंने आकलन किया एक साल का, तो साफ तौर पर फिसड्डी साबित कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, ये कहा जा सकता है कि बिहार फिर से पुराने दौर में गुजर गया है। शायद नीतीश कुमार को यही समझाने की कोशिश उपेंद्र कुशवाहा कर रहे थे और जब नहीं समझे तो उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार से अपने रास्ते अलग कर लिए। आज सदन में भी जब लोकसभा में चर्चा हो रही थी तो उस दौरान अविश्वास प्रस्ताव के दौरान चिराग पासवान को बोलने का मौका मिला। उन्होंने 2.5 मिनट के अपने वक्तव्य के दौरान नीतीश कुमार की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने बिहार में हो रहे कुकृत्यों को लगातार उजागर किया और राष्ट्रीय पटल पर यह बात कही कि मणिपुर से ज्यादा बिहार की स्थिति खतरनाक हो गई है, इसे समझना जरूरी है और इसके लिए कहीं ना कहीं जो टीम मणिपुर गई है उसे बिहार आकर भी आकलन करना चाहिए परिस्थितियों का। यह सेलेक्टिव जो हियरिंग है और सेलेक्टिव व्यूअरशिप है, ये बंद करना होगा विपक्ष को। निश्चित तौर पर सरकार जो बिहार में है उसके खिलाफ भाजपा और उसके सहयोगी जमकर आंदोलनरत हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव से जब पूछा गया कि साल भर सरकार का हो गया कैसा रहा, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बातें रही हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, भाजपा बेचैन है। जब उनसे पूछा गया कि उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं, तो उन्होंने कह दिया कि उपेंद्र कुशवाहा नेता है, उपेंद्र कुशवाहा खुद नेता नहीं है, अभी तक वो नेता नहीं बन पाया, जब वो नेता बनेगा तब ना उसकी बात सुनेंगे। आज तक उपेंद्र कुशवाहा तो पिछलगू ही रहे, कभी भी अपने दम पर कोई चुनाव नहीं जीता। लालू यादव के इस वक्तव्य के बाद हमने RLJD से जानने की कोशिश की कि उनका मंतव्य क्या है, लेकिन इस पर अभी तक किसी ने कुछ बयान नहीं दिया है। खुद उपेंद्र कुशवाहा ने इस मामले को उठाते हुए ट्विटर के माध्यम से लालू यादव को एक भयंकर जवाब दिया है। उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो हम आपको बता देते हैं। उन्होंने लालू यादव के उस बयान को रीट्वीट करते हुए कहा है कि लालू जी, यह बात शायद भूल गए हैं कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था ने उन्हें राजनीतिक रूप से अयोग्य घोषित कर दिया है। लोकतंत्र की प्रक्रिया में अब वो मुखिया का चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। जिनका खुद का नेता होने का लाइसेंस छिन गया है, वो क्या दूसरे को नेता होने का प्रमाण पत्र बांटेंगे? निश्चित तौर पर एक कटाक्ष लालू यादव के सीने में उतार दिया गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्विटर के माध्यम से ट्विटर का रुख करते हुए जो लालू यादव ने बयान दिया है उसको काटते हुए ये कहा है कि मैं तो नेता हूँ, मेरी अपनी पार्टी भी है, मैं NDA का सहयोगी भी हूँ, मेरे साथ लोग पूर्व में भी जुड़े रहे हैं, अभी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या आप नेता हैं? आपने जो भ्रष्टाचार किया जिसकी वजह से आपको सजा मिली, उसकी वजह से आप लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में अयोग्य हो गए हैं। आप मुखिया तक का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, आपका खुद का लाइसेंस छीना गया है नेता होने का, और आप मुझे कह रहे हैं कि नेता नहीं है। मेरे पीछे हुजूम देखिए, उन कार्यकर्ताओं को देखिए जो जल्दी से टूट कर आए हैं, आपकी पार्टी से टूट कर आए हैं, और आने वाले चुनाव का इंतजार कीजिए, जल्द ही फैसला हो जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा की बात का कमोबेश मतलब यही है। लेकिन ये एक नई चर्चा को बिहार में शुरू कर देता है, यादव वर्सेस ऑल, जो एक नीति कहीं ना कहीं बयान के माध्यम से उपेंद्र कुशवाहा ने दे दी थी, जिस पर अब NDA काम करने लगा है। आगे चलकर इसका रिजल्ट क्या होता है वो देखेंगे। अगर RLJD की तरफ से कोई और वक्तव्य देता है तो वो भी आपको सुनाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रउआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली,
9386816700। धन्यवाद।